झमूरी सी शक्ल है और इतना महंगा ब्रांड चोरी के माल से तुम कपड़े लेकर आ रहे हो लड़की इम्प्रेस करने के लिए। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लेके आया था। अच्छा, क्या काम करते थे? झाड़ू लगाते थे कहीं पर या फिर पोछा? तू कहाँ इतना नीचा और मैं कहाँ इतनी ऊपर, और आया मुझे बड़ा ड्रेस गिफ्ट करने। सुन, अगर इतना ही शौक है ना पैसे वाली लड़कियों से बात करने का, तो मेरे घर आ जाइयो और मेरी गाड़ी साफ कर लियो। हाँ, 2 मिनट निकाल के तुझसे बात कर लूंगी और तुझे तेरी औकात भी दिखा दूंगी। एक्सक्यूज मी। यस यार, एक्चुअल में मैं अभी जस्ट मॉल से बाहर आया। अच्छा, और ये मैं आपके लिए एक प्यारी सी ड्रेस परचेज करके लेके आया हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है और इस ड्रेस की मतलब कंपनी ब्रांड देख रहा है तू? हाँ हाँ, बहुत बात है, बहुत कॉस्टली यार, लिवाइस की लेके आई हूँ इसीलिए। कब बोला सस्ती है? तभी बोला कॉस्टली है। औकात है तेरी ये ड्रेस लेगा? यार ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने तो आपके लिए ली थी, और वैसे भी मैंने सुना है इस मॉल में बहुत पैसे वाली लड़कियाँ आती हैं, तो मैंने सोचा। जिन पैसों से ये ड्रेस चोरी करके खरीदी है ना, एक बार शीशा ले लियो और अपनी शक्ल देखियो जाकर, तेरे जैसे 36 फिरते हैं। यार ऐसे क्यों बोल रही हो, और मैंने कोई चोरी से थोड़ी ना खरीदी है इसको। तुम क्या सोचते हो, इतनी महंगी ड्रेस लड़की को दिखा कर इम्प्रेस कर लोगे? नहीं नहीं यार, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करूँगा। मैं तो सिर्फ इस मकसद से लेके आया था कि एक महंगी ड्रेस मैं यार पैसे वाली लड़की को अगर गिफ्ट करूँगा तो ऑब्वियसली यार उसको अच्छा लगेगा कि यार किसी ने उसको ड्रेस गिफ्ट की है। बस ऐसी गलत सोच मत रखना, ठीक है? मतलब ये ड्रेस ना ले जाओ, चोरी का माल नहीं लेती मैं, बहुत पैसा है मेरे पे। नहीं है, ऐसी ड्रेस प्राइस टैग सुबह शाम आती है मेरे घर पर। प्राइस टैग देख सकते हो, मैं ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ यार अपनी। नहीं नहीं है, चोरी का माल तो यार मैं ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ अपने फोन में। अगर चोर ट्रेंड होगा ना, फेक ट्रांजैक्शन भी बना लेगा। ये क्या, इतना छोटा सा ब्रांड है ये मेरे लिए? अगर तू कुछ हटकर करता ना, हाँ क्लब के लिए ऑफर करता, आईफोन देता या कोई अच्छी खासी आउट ऑफ इंडिया ट्रिप ऑफर करता, तो मैं सोच भी सकती थी। ऐसी ड्रेसेस, ये छोटा मोटा ब्रांड। एक सेकेंड यार, वन पीस है, बहुत प्यारा है। और ये ड्रेस भाई, तू क्या शक्ल देखी है तूने अपनी? झमूरे सी शक्ल है और इतना महंगा ब्रांड चोरी के माल से तुम कपड़े लेकर आ रहे हो लड़की इम्प्रेस करने के लिए। यार चोरी का एलिगेशन क्यों लगा रही है यार, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लेके आया था। अच्छा, क्या काम करते थे? झाड़ू लगाते थे कहीं पर या फिर पोछा? यार ऐसे क्यों बोल रही हो यार, अपनी मेहनत से कमाया था। मेहनत होगी, झाड़ू लगाने में भी मेहनत लगती है, पोछा लगाने में भी मेहनत लगती है, तो क्या काम करके ड्रेस ली है? यार मजाक क्यों उड़ा रही हो, तुम्हें नहीं लेना है, मुझे पता है तुम पैसे वाली लड़की है ना, हम जैसे लड़कों का हमेशा मजाक ही उड़ाती हो, जबकि हम दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ, तू कहाँ इतना नीचा और मैं कहाँ इतनी ऊपर, और आया मुझे बड़ा ड्रेस गिफ्ट करने। पकड़ अपना ये ब्रांड ड्रेस गिफ्ट करनी है। यार सुनो तो, क्या बाकी है अभी सुनने को? यार ऐसे मत करो प्लीज यार, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। ये ड्रेस ना अपनी किसी नीची गर्लफ्रेंड को जाकर देना, शायद वो खुश हो जाए। नहीं यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। तभी तो यार लाइन मारने आ गए। नहीं लाइन नहीं मार रहा हूँ यार, तुम्हारे जैसे ना 36 फिरते हैं, ठीक है? और सुन, अगर इतना ही शौक है ना पैसे वाली लड़कियों से बात करने का, तो मेरे घर आ जाइयो और मेरी गाड़ी साफ कर लियो। हाँ, 2 मिनट निकाल के तुझसे बात कर लूंगी और तुझे तेरी औकात भी दिखा दूंगी, और सैलरी इतनी रखूंगी कि थोड़ा महंगा और अच्छा ब्रांड खरीद सके, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हाँ जी यार, एक्चुअल में मैंने मॉल से अभी ये 2 ड्रेसेस खरीदी थी। अच्छा, ओके। और वो मैंने आपके लिए ही खरीदी थी। लेकिन आपने ये मेरे लिए क्यों खरीदी है? एक्चुअल में मुझे पता है यहाँ पे बहुत पैसे वाली लड़कियाँ आती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं किसी बढ़िया क्यूट से लड़की को यार ये एक्सपेंसिव ड्रेसेस गिफ्ट करूँगा, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या तुम ये मेरे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लोगी? बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच यार फॉर दिस लवली गिफ्ट। देख लो, मैं इसे चेक कर लूँ। बिल्कुल यार, बाय द वे ये आईफोन भी यार मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। सच में यार, लाइक एज अ सरप्राइज, सच में ये मेरा हो जाएगा? हाँ हाँ यार, मैंने सुना है यार।
और बाय द वे यार आप बहुत अच्छी हो। I'm very sorry. मैंने तुमसे थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, वो तब मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्टेड था, मैंने तुमसे बदतमीजी की, आई एम रियली सॉरी। तो क्या हुआ? बाय द वे एक बात बताओ, तुमने ये आईफोन इसको और ड्रेसेस गिफ्ट करी हैं? हाँ वो तो मैंने ड्रेस तो आपको भी गिफ्ट किया था, बस आईफोन में देने ही वाला था कि तब तक आपने यार मेरे को बोला कि तेरी औकात नहीं है और मैं बहुत हायर क्लास की लड़की हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोला ना मैं परेशान थी तो मैंने बोल दिया मेरी सॉरी। तो मुझे बता, सब कुछ इकट्ठा देते ना, बताते कि मैं सब कुछ ऐसे ऐसे लाया हूँ तुम्हारे लिए, आईफोन भी है, तुमने बताया ही नहीं मुझे। बाय द वे हाय। हेलो, आई एम सिमरत। आप? योगेंद्र। ओके, तो फ्रेंड्स? हाँ। ओके, तो चलो चलते घूमते, लाओ ये दो मुझे। अरे बट ये क्यों तुम्हें दूँ? तुम लाए तो मेरे लिए ही थे ना। हाँ तो फिर मेरा ही हुआ ना। ओके ओके, एक मिनट यार, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? आप दो मिनट वेट करो, ये मुझे दे दो। हाँ बाय, चलो। फॉर यू? नहीं तुम आओ, मतलब चलते हैं ना पहले। बाय द वे आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं यार, वैसे एक बात बोलूँ? हाँ हाँ बोलो। यार लड़की कितनी जल्दी बदल जाती है ना, और उनकी नीयत भी। कहना क्या चाहते हो? बस भाई कि जो दूसरों की औकात दिखाते हैं ना, उन्हें पहले खुद की औकात देख लेनी चाहिए। अब मैंने बोला ना मैं परेशान थी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये ड्रेस और ये आईफोन तो मैं यूं ही दे दूंगा? अबे चल दफा हो यहाँ से। अरे तुम गोल्ड डिगर कहीं की, सॉरी निकल ले। वो क्या है ना, जब कोई इंसान दूसरे को औकात दिखाए ना, उसको थोड़ी सी औकात दिखाना जरूरी हो जाता है। दफा हो।